ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में पंचायत चुनाव का घमासान चरम पर है। पंचायत राज चुनावों के तहत प्रथम चरण के लिए गुरुवार को यानी कि आज 26 अगस्त को पहले चरण का मतदान हो रहा है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने विराट नगर एवं जालसू पंचायत समिति के चुनाव स्थगित कर दिए हैं। पंचायत राज चुनावों को लेकर सूबे की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लगातार तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए जारी जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को जयपुर जिले के दर्जनों गाँवों में तूफानी जनसंपर्क किया। इस दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने जनता से रालोसपा उम्मीदवारों को विजयी बनाने का आह्वान किया। रालोपा संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बुधवार को लगातार दूसरे दिन जयपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने दर्जनों जनसभाओं में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को समर्थन देने की जनता से अपील की। चुनावी जनसंपर्क के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि आजादी के दशकों बाद भी गांव के अतिम छोर पर बैठा व्यक्ति सरकार की सुविधाओं से वंचित थे। नागौर सांसद एवं आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से राजस्थान की जनता का शोषण किया है। बेनीवाल ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में रालोपा को मजबूत करने के लिए इन पंचायती राज चुनावों में अधिक से अधिक मतदान बोतल के चिन्ह पर करने की जरूरत है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आज रोजगार से लेकर महंगाई तक के मामले को लेकर जनता त्रस्त है और जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेट सरकार पर हावी है और कांग्रेस की सरकार तो खुद अलग अलग भागों में बटी हुई है, जिससे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जो तीसरे मोर्चे के रूप में ताल ठोक रहा है। पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्वयं चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। प्रचार को लेकर लगातार गांवों में तूफानी दौरे कर रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को रेनवाल मांझी, किशनपुरा, हरसुलिया, बास, चित्तौड़ा प्रतापपुरा, गोपाल नगर, माधोराजपुर, रामपुरा भूटिया, सेवा, रेलाना, बिजोलाभ, डुंगरी कला, जुनसिया आदि स्थानों पर जनसंपर्क किया। इस तूफानी चुनावी जनसंपर्क के दौरान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ जयपुर जिला अध्यक्ष शंकर लाल नारोलिया, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह, प्रवक्ता राजपाल चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि व सरपंच मौजूद रहे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 5 अगस्त को भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और सिरोही में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम को जारी किया था, जिसके तहत प्रथम चरण के लिए 26 अगस्त को मतदान होगा यानी कि आज, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त को और तीसरे व आखिरी चरण के लिए 1 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।